सिटिंग मीन्स नेम फेम एंड मनी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टोन्स की जिसको मर्चेंट स्टोन बोला जाता है और जिसका सीधा रिलेशन हमारा पैसे से होता है। लेकिन पैसे के साथ साथ इसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हम रूबरू नहीं हुए जिन चीज़ों से, या हमें पता नहीं है, तो आज हम उन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। प्रणाम दोस्तों, मैं रिकी ग्रैंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट एंड क्रिस्टल हीलर। बहुत सारे मॉडलिटीज में मैंने काम किया, लेकिन इन तीन चीज़ों पर मेरी पकड़ थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मैं इनके बारे में ही ज़्यादा बात करता हूँ। और मैं हमेशा पसंद करता हूँ उस चीज़ के बारे में जिसको मैंने यूज़ किया हो, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि जिसको मैंने अपने लाइफ में इस्तेमाल किया हो। मेरा हमेशा मानना रहा है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मैंने क्रिस्टल को बहुत ही बारीकियों से, बहुत ही पर्सनल रूप में मैंने इसको यूज़ किया, और मेरी लाइफ में अगर ये चेंज लेकर आ सकते हैं तो आपकी लाइफ में क्यों नहीं। चलिए समझते हैं इस स्टोन के बारे में और इस स्टोन को कैसे हमें यूज करना है, कौन कौन यूज कर सकता है, पूरा हम इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो थोड़ी सी अगर लंबी हो जाती है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, बहुत ही आपके लाइफ में आपको यूजफुल रहेगी, हम ये कह सकते हैं। और पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे हर इसके बेनिफिट्स के बारे में और इसको कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए चलते हैं आगे, हम स्टोन के बारे में बात करते हैं। यह एक क्वार्ट्ज फैमिली का स्टोन है जो पेल येलो कलर से लेकर गोल्डन येलो कलर तक का होता है और रिलेट करता है हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुर चक्र, जो रिस्पॉन्सिबल होता है अगर हम फिजिकल रूप में देखा जाए हमारा पेट से रिलेट, हमारी नाभि से 2 इंच ऊपर या 2 उंगली ऊपर हम कह सकते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र, वो पूरा हमारे पेट के आसपास का जितना भी एरिया होता है उस एरिया के लिए, उसमें जितने भी हमारे अंग आते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर ये चक्र हमारा बैलेंस होता है तो हमारा पेट बढ़िया रहेगा, डाइजेशन हमारी ये बहुत अच्छी होगी, और डाइजेशन अच्छी होगी, पेट अच्छा होगा, तो हमारी आधी से आधी बीमारियाँ हमारी अच्छी हो जाती हैं। तो ये उन चीज़ों को हील करता है। ये सोलर प्लेक्सस चक्र होने के कारण हमारे को हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, बिकॉज सूर्य क्या होता है, सूर्य लीडर होता है। अगर हम अपने लीडर की क्वालिटी को एनहांस करेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस लेकर आता है, हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, और इस स्टोन की एनर्जी हमारी जो विशेष होती है उनको मैनिफेस्ट करने में हमारी मदद करती है। ये हमारा ध्यान उस तरफ ले जाता है जिन चीज़ों को हम पहले अवॉइड कर रहे थे। तो हमारे इसकी जो केमिकल, इसकी कोई केमिकल वाइब्रेशंस कह लो या इस स्टोन के वाइब्रेशन कह लो, हमारे को अपनी उन चीज़ों की ओर आकर्षित करती है जिसको हम पहले अवॉइड कर रहे थे, छोड़ रहे थे, उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आकर्षित करती है। हम हमारा दिमाग चलता है, हमारा दिमाग चलेगा, हम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे, तो सीधी सी बात है कि उस पर काम करेंगे, काम तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है स्टोन बैठे बैठे हमारे को कुछ ना कुछ मनी पावर सब देता रहेगा, हम उस पर काम करेंगे, काम करेंगे तो पैसा आएगा। इस स्टोन को स्टोन ऑफ मर्चेंट भी बोला जाता है और व्यापारियों का पत्थर कहते हैं, और जो बिजनेसमैन है स्पेशली उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, और उनका काम नहीं चल रहा हो, अपने ऑफिस में रखें या अपने बिजनेस के जो जगह पर रखें, दुकान पर रखें, तो उसकी जो एनर्जी है आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ जब काम करेंगे दोनों मिलकर ना, तो उसमें वो बेनिफिट देने लग जाएगा। और कभी हमारी कोई फाइनेंशियल मीटिंग होती है, हम उनमें भी स्टोन्स को लेके जाते हैं, वो बेनिफिट करेगा। हमें कुछ ऐसा काम जिसमें पैसे से रिलेटेड कोई बात होनी हो उसमें हमें ये बेनिफिट करेगा। तो इस स्टोन को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, अगर किसी भी रूप में हम रख सकते हैं, ब्रेसलेट टंबल्स के रूप में इसको रख सकते हैं। और अगर हमारा पैसा तो आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, तो कहते ना कि घड़ा तो है हमारे पास, पानी आ रहा है लेकिन उसमें छेद पानी निकला जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम मोस्टली बिजनेसमैन के साथ में होती है, लोगों के साथ में होती है। तो ये स्टोन उस जो हमारी जो ब्लॉकेज होती है, या हम ये कह सकते हैं पैसा नहीं रुक रहा हमारा, तो स्टोन को यूज करने से पैसा रुकना शुरू हो जाता है, तो बेनिफिट हमारा होना शुरू हो जाता है। गुरु बृहस्पति जो बहुत बड़ा प्लानेट है हमारे यूनिवर्स के, तो ये उस प्लानेट का स्टोन है। बहुत बड़ा प्लानेट होने के कारण ये अपॉर्चुनिटीज भी बड़ी बड़ी लेकर आता है अपनी लाइफ में, बस हमें उसे पकड़ना होता है। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का टच हमारे साथ हमेशा से रहता है, और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 3 मिसिंग है, पूरी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर नहीं आ रहा, तो ये स्टोन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है। और अगर कोई 3 से रूल करता है जिसका बर्थ नंबर या पूरा डेस्टिनी नंबर 3 आ रहा है, तो उनके लिए भी बहुत ही बहुत लाभकारी ये स्टोन माना जाएगा, बहुत ही ज़्यादा एक लकी स्टोन के रूप में माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है केवल यही लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं जिनकी बृहस्पति की दशा कमज़ोर होती है, उनका आशीर्वाद नहीं होता, तो उनको वो पुखराज जो स्टोन होता है येलो कलर का होता है, बहुत ही कॉस्टली आता है, वो रिकमेंड करते हैं। उसमें देखा जाता है कि कितने रत्ती का पहना है, कितने कैरेट का पहन रहे हैं आपने, वो अंगूठी के रूप में रिंग में बना के देते हैं। तो बहुत ही कॉस्टली स्टोन है।
तो पुखराज के सब्स्टिट्यूट के रूप में, उसके एक उपरतन के रूप में हम लोग इसको सिट्रीन को रिकमेंड करते हैं, जो पूरा बेनिफिट देता है। बस इसको यूज करने का तरीका आना चाहिए। हम लोग सेल करते हैं क्रिस्टल्स की बहुत ऑल ओवर इंडिया, हमारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनी हुई है, हमारी ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है, लोग लेके जाते हैं। हमने भी शुरुआत करी थी एक छोटे से स्टोन से, एक छोटे से कह सकते हैं ना कि एक छोटा सा एक ट्रायल के लिए एक बेसिस पे हमने स्टोन रखा, वो धीरे धीरे हमारे को वो अबंडेंस देता गया। तो लोग लेकर जाते हैं और उनको हम पूरी गाइड करते हैं कि कैसे यूज करना है, जो बिल्कुल सीखे होते हैं। और हम कोर्स भी कराते हैं क्रिस्टल का, क्रिस्टल कोर्स में पूरा A to Z, क्रिस्टल को कैसे पैदा होता है ऐसे लेकर उसको कैसे कैसे बेनिफिट हम लेके उसको यूज कर सकते हैं, कॉम्बो के तरह रूप में सकते हैं, निमोलॉजी के हिसाब से भी कैसे यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिस्टल्स के ऊपर, क्योंकि क्रिस्टल एक तो बहुत ही सस्ता मिलता है, साइड इफेक्ट नहीं होते। कोई ग्रह दशा अगर चेंज हो रही हो तो उस ग्रह दशा में भी इसको पहन सकते हैं, लेकिन जेम स्टोन जो होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, तो उनके उपरतन के रूप में इनको यूज किया जा सकता है। हम लोग सिखाते हैं कि मनी बॉक्स या ग्रिड बॉक्स में अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करना, पैसे से रिलेटेड अगर किसी की विश होती है तो उसमें सिट्रीन के बिना रखा गया कोई भी क्रिस्टल मजा नहीं आता और उतना बेनिफिट नहीं देगा, इसलिए सिट्रीन का उसमें होना भी बहुत एक जरूरी हो जाता है। हर ग्रिड के अंदर सिट्रीन के टंबल्स या चंक्स उसमें रखे जाते हैं। आइए बात कर सकते हैं कि इस स्टोन को कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता। कौन पहन सकता है का मतलब है जिसको नेम फेम मनी चाहिए, वो पैसा चाहिए, वो इसको पहन सकता है। जिसको पेट से संबंधित कोई समस्या होती हुई, जिसका सोलर प्लेक्सस चक्रा डाउन होता है, ब्लॉकेज है, वो पहन सकता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इसको हम अवॉइड करते हैं, वैसे कभी भी सिट्रीन कभी भी नुकसान नहीं करता, लेकिन येलो कलर का होने के कारण हम इसको अवॉइड करते हैं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ का बर्थ नंबर 6 आता है टोटल, या पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 आता है, 6 नंबर गुरु शुक्राचार्य का नंबर होता है, उन जिनका कलर व्हाइट होता है। हालांकि वो भी गुरु हैं, हमारे बृहस्पति भी गुरु हैं, और दोनों गुरु गुरु हैं, और बहुत ही एक डिटेल में चले जाएंगे अगर हम इस पे बात करने लग गए तो। बस ये है कि दोनों गुरु हैं, और एक गुरु देवताओं के गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं, आपस में नहीं बनते, इसलिए हम इस कलर को डायरेक्ट पहनना अवॉइड करते हैं। तो जो इतने भी हमारे क्लाइंट्स आते हैं, तो कभी जैसे हम डिस्कस करते हैं तो हम डेट ऑफ बर्थ पूछ लेते हैं, जिनके डेट ऑफ बर्थ 6 रूल से रूल करता है, तो उसको दूसरे मनी के स्टोन्स बहुत सारे और भी हैं वो हम देते हैं। तो 6 नंबर वालों को हम डायरेक्ट अवॉइड करते हैं कि अपनी बॉडी पे नहीं पहनना, जिनको पेंडेंट हो गया, ब्रेसलेट हो गया, रिंग हो गई, या आपकी और भी कोई चीज़ होगी, डायरेक्ट बॉडी में पहनते हैं, कोई तरह की चीज़ यूज़ नहीं करनी। हाँ, उसको आप रख सकते हैं अपने टेबल पे, उनके जो रॉ क्लस्टर्स आते हैं, मैं आपको अभी सब दिखाऊंगा धीरे धीरे करके इन क्या क्या के अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं, तो उसको आप अपने ऑरा से अलग अपने घर में, अपने ऑफिस में उसको रख सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते मेरी बॉडी पे। तो मैं दिखाना चाहूंगा अभी आपको एक अलग अलग इसके फॉर्म्स के बारे में कि सिट्रीन किसके फॉर्म आते हैं, जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं दिखाता हूँ आपको भी। अभी आप देखिए, ये एक क्लस्टर हम इसको बोलते हैं, कितना पॉइंटेड है ना, नीचे से व्हाइट आता है और ये ऐसा लगा था बिल्कुल एक गोलाकार शेप में रहा होगा, कि जब ये पहाड़ों में जब निकाला होगा तो ये उसका एक टुकड़ा है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, जितने ज़्यादा पॉइंटेड होंगे ना तो उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल रॉ होता है, रॉ का मतलब होता है इस पर ज़्यादा काम नहीं किया होता, और इसके वाइब्रेशन बहुत ही अलग तरीके की होती हैं, क्योंकि ज़्यादा काम ना करने के कारण ज़्यादा लोगों के टच में नहीं आता, तो इसकी वाइब्रेशन डिस्टर्ब नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ों की डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन बाकी चीज़ों से अगर हम देखा जाए तो ये जो रॉ होता है ना, ये थोड़ा सा बेनिफिशियल माना जाता है। लेकिन अब इसको हम अपनी बॉडी पहन तो सकते नहीं है ना, सीधी सी बात है, इसको हम क्या करेंगे, अपने घर में रखेंगे, अपने किसी जगह पे, अपने घर में, अपने ऑफिस में ऐसी जगह रख दिया, एक विजिबल होगा, तो ये क्या करता है कि इसकी वाइब्रेशंस जो होती हैं वो हमारी बॉडी की वाइब्रेशन जब मैच करती हैं तो नए नए आइडियाज आते हैं, पूरे ऑफिस को, पूरे शॉप को, पूरे घर को एनर्जाइज करता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाता है, ठीक है। तो क्लस्टर रखना एक बहुत ही अच्छा एक तरीका माना गया है, और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने एक छोटा सा चुल्लू मुल्लू सा एक छोटा टुकड़ा रख लिया, तो वो सीधी सी बात है कि जितना बड़ा स्टोन होगा उतनी ही बड़ी एरिया को वो कवर करेगा। अगर आपने छोटा सा एक टंबल ले लिया, टंबल मैं दिखाता हूँ अभी आपको, और छोटा सा कोई भी चीज़ ले लिया और उसको अपने टेबल पे रख लिया, तो वो अपने सराउंडेड एरिया में, ठीक है, वहां तक ये बेनिफिट देगा। तो इसलिए हम बेनिफिट हम लोग बोलते हैं उन चीज़ों को आप अपने पॉकेट में रखिए कि आपके बॉडी के और आप में आपको बेनिफिट देगा। जैसे एक पेंडेंट है,
टंबल का पैने बना दिया है, इसी टंबल को आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, तो ये आपके ऑरा के अंदर आ गया। ऑरा के अंदर आएगा तो आपकी ऑरा की आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ मेल खा के ये आपको बेनिफिट देना शुरू कर देगा। तो ये है डायरेक्ट बॉडी पे पहनना, या डायरेक्ट बॉडी पहनना हम लोग कह सकते हैं ब्रेसलेट के रूप में पहन सकते हैं। जैसे ब्रेसलेट है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, राउंड बीट्स है, ये थोड़ा सा स्टाइलिश बना दिया है, ठीक है। तो कलर में हमेशा वेरिएशन मिलेगा, कोई भी सारे ब्रेसलेट एक जैसे नहीं हो सकते, सारे माला एक जैसे नहीं हो सकते, बिकॉज ये मैनमेड नहीं होता, नेचुरल होता है, नेचुरल स्टोन नेचुरल होता है, सारे एक जैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन इनको हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से पहन सकते हैं। अब यह माला आप देखिएगा, इस माला को आप पहनेंगे गले में पहनेंगे, लेकिन जितने ज्यादा बीट्स हम बॉडी से टच में रहेंगे उतना ज्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। तो माला पहनना एक बहुत अच्छा एक तरीका माना जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती है, लेकिन अगर जेम स्टोन की तुलना हम करें तो ये बहुत बहुत ही ज्यादा सस्ती पड़ती है। और बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, देखा जाए तो इसमें पिरामिड्स आते हैं, बॉल्स आती हैं और पेंसिल्स आती हैं, बहुत सारी चीजें हम किसी भी तरीके से इन चीजों को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी इनको यूज करने का भी तरीका होता है जो नॉर्मली आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन हम हर कोर्स में ये सबसे पहला हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि हम सबसे पहले वो चीज़ बताएं जो लोग इग्नोर कर लेते हैं। कि मेरे जितने भी डिस्कस होते हैं, जितने भी बायर्स आते हैं, चाहे वो रीसेलरी क्यों ना हो या किसी भी ऑकल्ट साइंस में मॉडलिटी में क्यों ना हो, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उनको क्रिस्टल को यूज करना नहीं आता। क्रिस्टल पहले तो बेनिफिट देना शुरू करेंगे, धीरे 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 बेनिफिट देना कम कर देते हैं, बिकॉज बहुत सारे रीजन होते हैं बिहाइंड ऑफ देम। तो उसको कैसे यूज करना है ये सारा तरीका हम बताते हैं। तो इसका क्लीनिंग चार्जिंग का प्रोसेस एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस होता है, उसमें साथ इसकी प्रोग्रामिंग होती है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। बिकॉज जो चीज प्रोग्रामिंग का मतलब है, जो चीज हम बोलेंगे ना, जो चीज हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो अफर्मेशन हमारी जा रही है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ, हमारी बॉडी के वाइब्रेशन के साथ में और क्रिस्टल के वाइब्रेशन के साथ में मैच खाएगी, तो वो चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। हमने पहन लिया, किसी ने दिया हमने पहन लिया, बहुत से लोग होते हैं कि कहते हैं कि हमने पास पढ़ा था, देखा था, पहना था, यूज किया, नहीं फायदा हुआ, रख दिया उठा के, तो वो उनको बेनिफिट नहीं करता। तो इसका सही तरीका आना चाहिए। और सबसे बड़ी बेस्ट बात यह है सिट्रीन की, अगर हम पर्टिकुलर सिट्रीन की बात करी जाए तो सिट्रीन को क्लींजिंग की जरूरत नहीं पड़ती, एनर्जाइजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कभी भी कोई नेगेटिविटी अब्जॉर्ब नहीं करता। अदर जो बाकी स्टोन्स होते हैं वो नेगेटिविटी पकड़ते हैं, उनको हमें बार बार क्लींस करना पड़ता है। तो उसको क्लीनिंग तो नहीं करनी पड़ती, लेकिन हमें अफर्मेशन पूरी देनी पड़ेगी, पूरी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी इसको यूज करने से पहले, तभी ये हमारे को बेनिफिट देगा। तो दोस्तों, क्रिस्टल के बारे में स्पेशली फॉर सिट्रीन, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नेम, फेम, मनी और कहते ना कि अभी बॉडी के चक्रास को आपने हील करना है, अपने आध्यात्मिक पावर बढ़ानी है, सिट्रीन को यूज कर सकते हैं। पैसे की अबेंडेंस, अबेंडेंस हर चीज की अबेंडेंस, क्योंकि गुरु बृहस्पति का स्टोन है तो अबेंडेंस देगा ही देगा, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से आप, हम इसको चाहे हम गुरु बृहस्पति का माने, चाहे हम चक्रास का माने, चाहे हम किसी और चीज का माने, ठीक है, बेनिफिट ये हर चारों तरीके से देगा, लेकिन हमें इसको यूज करना आना चाहिए। कैसे यूज करना है, आप मुझे, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, इसकी डिटेल इसके बारे में बताया गया होगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और इसमें मेरी पूरी कैटलॉग का लिंक भी दिया गया होगा, मेरी कैटलॉग पे जाके आप सर्च कर सकते हैं और भी स्टोन्स के बारे में, बहुत ही बाकियों के अकॉर्डिंग, बहुत ही आपको होलसेल के रेट में आपको ये हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। बहुत से लोग आते हैं कि कहते हैं कि ये आप इतना सस्ता क्यों देते हो, कैसे देते हो, डुप्लीकेट तो नहीं, सस्ता का मतलब लोग डुप्लीकेट समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उनकी डायरेक्ट लिंक कहाँ से है। हमारे डायरेक्ट लिंक मैन्युफैक्चर के बाद होलसेलर्स से हम लोग उठाते हैं, और कुछ लोग हमसे लेकर भी आगे देते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मार्जिन वो अपना रखेंगे। तो रेट पे मत जाइएगा, आप इसकी क्वालिटी देखिएगा, और ट्रिपल ए क्वालिटी हम लोग मोस्टली यूज करते हैं इसमें, किसी भी स्टोन में ट्रिपल ए क्वालिटी होती है जो बेस्ट मानी जाती है क्रिस्टल की दुनिया के अंदर। तो क्रिस्टल आप कहीं से भी लें, और थोड़ा सा जानकारी आपको देने वाला हो तो आप लें, ऑनलाइन में थोड़ा सा समस्या ये आ जाती है कि आप पूछ नहीं सकते कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, बिकॉज लेना तो बहुत आसान है, लेकिन यूज करने का तरीका कहीं कागज पर लिखा नहीं होता कि आपको ऐसे ऐसे यूज करना है, ऐसे ऐसे यूज नहीं करना। तो मैं 24/7 हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, और भी किसी भी तरीके, किसी भी क्रिस्टल के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमेशा मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसके बारे में कोई कमेंट्स आपका हो आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिसको जरूरत होगी और आगे भी उनको बेनिफिट मिलेगा। अगर ये चैनल हमारा अध्यात्म राज का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते रहेंगे आगे भी नए नए क्रिस्टल्स के बारे में। अगली बार एक बार एक और मनी का मैग्नेट क्रिस्टल लेकर आएंगे जिसका नाम होगा पायराइट। धन्यवाद।